देखिए इस सुंदर लड़की को, शादी के 3 साल हो गए हैं एंड सुगु अभी भी सुंदर है, बाल मेरे सफेद हो रहे हैं। एक भारतीय आम आदमी की मैरिज एनिवर्सरी कैसी जाती है, देखो सीखो और समझो। सबसे पहले तो ढेर सारी विशेष हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर स्टेटस अपडेट चेक, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट। हैप्पी एनिवर्सरी जुगो। चेक। ये सब करे बिना भी कोई एनिवर्सरी होती है, जाओ करके आओ। दूसरी चीज गिफ्ट, जिसका इंतजाम आपका भाई पहले ही कर चुका है, फुल प्लानिंग। ज़्यादा बजट नहीं है मेरे पास क्योंकि मुझे नया घर खरीदना है, उसमें नई नई चीज़ें भर के मेरी बीवी खुश होगी तो और खर्चा, इसलिए सस्ता गिफ्ट लेंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे लेकिन मेहनत पूरी लगेगी और स्वैग भी। लेट्स गो। टाइमलैप्स लेना भी जरूरी है। तीसरी चीज केक कटिंग, जो रात में ऑलरेडी हो चुकी है। चलो मेरा सेटअप हो गया है, अब सुगु को अंदर बुलाते हैं। सुगु आ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। ये लिखा है रोजेस आर रेड वॉयलेट्स आर ब्लू हैप्पी एनिवर्सरी सुगु एलओएल अगेन। एक मिनट ही दी। शांतो हमारी शादी को 3 साल हो गए, बचपना छोड़ो। ओके वैसे थैंक यू फॉर दिस। अब मेरे मेरे गिफ्ट्स दो, मेरे गिफ्ट। वेयर आर माय गिफ्ट्स? मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? वो तुम्हारे पीछे पड़े, खोलो ना। खैर ये मेरे को जूते हैं, इसको मैं सर पे मार लो। मेरे को ये पहले ही दिख चुके थे जूते हैं। इसको अपने सर पे मार के थोड़ी कुछ होगा। नहीं नहीं दिस सर्व्स ड्यूअल पर्पस, पहन भी सकते हो और अपने सर पे मार भी सकते हो। तुम्हारे तुम्हारे सर। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरे दो फ्रेंड्स विकास और सुप्रीत ने मुझे चेतावनी दी थी, मत कर मत कर मत कर, पर अपन तो स्टंट थे, अब भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। 3 साल हो चुके हैं, पता भी नहीं चला। अब शाम को सुगंधा आएगी और फिर हम घूमने जाएंगे। 7:30 बज गए हैं, मैं तो रेडी हो गया। सुबह तुम रेडी हो गई? 10 मिनट्स प्लीज।
बस जूते रह गए हैं। सुगो आप रेडी? यस मैं बैग पैक कर लूं, मतलब मैंने अपना न्यू बैग भी निकाला है। ठीक है, नोबडी केयर्स। वैसे अगर लड़कियां आखिरी के 10 मिनट में कुछ ना भी करें तो मेरे ख्याल तो वो वैसी की वैसी ही लगती है। यहीं खड़ी रहना, हिलना मत, सेल्फी लेना भी जरूरी है। फाइनली हम निकल रहे हैं, चलो बाय बाय। गाड़ी की चाबी तो भूल ही गए, चलो। सुगु मुंगू तो बड़ी सही जगह है। सुगु हम अब घर आ चुके हैं और हमारा आज का दिन ख़त्म हो चुका है। अब मुझे तुमसे दो सवाल पूछने हैं, ठीक है? मुझे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें आज तक की सबसे अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कौन सी लगी? फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम कहाँ गए थे? बैंकॉक गए थे हम। फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम गए थे बैंकॉक एंड फुकेट। सेकंड पे हम गुड़गांव गए थे और थर्ड ईयर वाली। हाँ, सेकंड पे हम गुड़गांव गए थे। मैं सबसे अच्छी तो वो फॉरेन ट्रिप वाली थी, मतलब क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत शॉपिंग की थी और एकदम बढ़िया थी यार। तो नेक्स्ट पे भी तुम मुझे थाईलैंड ले जाओ। मैं भी इतनी धीरे बोलोगी ना तो आवाज़ नहीं आएगी, मेरा सस्ता प्रोडक्शन है। थोड़ा तेज बोलो, कौन सी थी सबसे अच्छी वाली? सबसे बढ़िया तो थाईलैंड वाली थी, तो तुम नेक्स्ट एनिवर्सरी पे मुझे थाईलैंड ही ले जाना, ठीक है? अपनी लाइफ का एम बना लो। ठीक है, थाईलैंड ले जाएंगे। और अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो हमने आज खाना खाया वो कैसा लगा तुम्हें? खाना तो एकदम बढ़िया था, पर हमने बहुत वेस्ट किया है आज। आज खाना वेस्ट हो गया, बट कहाँ वेस्ट हुआ, दो प्लेटें तो एकदम साफ थी। पर आज एक चीज हमने बढ़िया करी, क्या? जो खाना था वो सब मंगवा लिया। हाँ, तो वन गुड थिंग दैट आज हमने बहुत ठूस ठूस के खाया, और उसके बाद फिर हमने स्ट्रॉबेरी शेक भी पिया एंड चूरोस भी खा लिए। तो अब इसी के साथ हमारा आज का दिन खत्म होता है। अब आपसे अगले साल नहीं, मैं अगले हफ्ते मिल जाऊंगा, बट एनिवर्सरी अब अगले साल ही मनाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा बाय। देखिए इस सुंदर लड़की को, शादी के 3 साल हो गए हैं एंड सुगु अभी भी सुंदर है, बाल मेरे सफेद हो रहे हैं। शादी के 3 साल बाद के लोग बदसूरत तो जाते हैं क्या? बकवास। बाल मेरे देखो सफेद हो रहे हैं, मुझे कलर करने पड़ते हैं। तो पता है मैं इतनी ड्रेस अप क्यों ही हूं? क्यों? बिकॉज़ तुम्हारे पास बैठती तो तुमने तो कुछ करना नहीं था, तो आई थॉट कि मैं अच्छे से तैयार होकर ऑफिस चले जाती हूं, तो मेरे फ्रेंड नैनिका और लता मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। चलो बढ़िया। ओके, दिस इज अ शेम फॉर यू, नॉट बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं शाम को रेडी हूँ, डोंट वरी। ठीक है, चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। ओके बाय।